Priscilla. गुलाम कादर पोशाने के रहने वाला हूं, मैं बोल रहा हूं, जो इस टाइम हमारी पुलिस हमारे एडब्ल्यू साहब मुगल रोड के और हमारी पुलिस मारूफ साहब यहां एसआई उसने हमें वहां से निकाला। इतने आदमी जो मेरे साथ हैं ये सब उधर से निकाल कर यहां उन्होंने पहुँचाए और हमें उम्मीद नहीं थी कि हम कैसे निकलेंगे। जब रात के 1:30 बजे हमने देखा 4 इंच से बर्फ ज़्यादा थी, आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि पुलिस आएगी हो हमें निकालेगी जरूर, उम्मीद है हमारी आर्मी इंशाल्लाह। इस पर भी भरोसा था कि यहाँ पुछाने की आर्मी हमें निकालेगी, हम यहाँ मरेंगे नहीं, ये अल्लाह को पता है। अभी भी बर्फ़ पड़ रही है, वहाँ देख रहे हैं कि कितनी कितनी बर्फ़ है, 1.5 फुट से इस टाइम भी ज़्यादा है और बर्फ़ चल रही है, भर रही है। और हमारे पास ये ठीक है, खाने का हमारे पास बंदोबस्त था, मगर हमारे पास दवाई का इंतजाम कोई भी नहीं था। अगर हम कुछ हो जाता, कोई मर जाता तो मुश्किल थी। अगर हमारी पुलिस हमारी आर्मी यहाँ ना होती तो मुश्किल था। और हमारे एडब्ल्यू साहब और हमारे यहाँ के अभी आ रहे हैं, हमारे कहना हमारे ये भी पहुँच रहे हैं, ये हमारे इसके ये ट्रैफिक वाले वो भी आ रहे हैं, उन्होंने हमारी मदद की और हमारे साथ हमारे एडब्ल्यू साहब उन्होंने मदद की, हमारी पुलिस हमारे मारफ साहब ने शुक्रगुजार हैं। बैठ के आए किस पे, अपनी पार्टी लेकर वहाँ पहुँचे, किस पे बैठ के आए, हम उनकी गाड़ियों में बैठ कर आए, वही पुलिस की गाड़ियाँ, वही मुगल रोड की गाड़ियाँ, उनमें बैठ कर हम पहुँचाने पहुँच गए बाखैरियत। वहाँ जो भी हमारा सामान वो हमें बंद है, उम्मीद है कि जब मौसम ठीक होगा हम फिर वापस जाएंगे उधर, तो फिर भी हमें उम्मीद है कि अगर हम बंद हो गए तो पुलिस और हमारी आर्मी हमारी यही AW और ये मुगल रोड के हमें वहाँ फिर निकाल कर लाएंगे।